देखेंगे किस तरह थीम्स और प्लगइन्स अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो पहले से ही हमें ये वाला थीम मिलता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा थीम होता है, ये वाला थीम होता है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट की लुक चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीम चेंज करना पड़ेगा। तो थीम किस लिए यूज होता है, अपनी वेबसाइट की लुक को बदलने के लिए। तो हम उसको किस तरह करेंगे, हम इंस्टॉल जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उस पर क्लिक करेंगे और थीम्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये वाली स्क्रीन दिख जाएगी। अब हम थीम्स दो तरह से ऐड कर सकते हैं, एक तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके और इस प्लस बटन पे क्लिक करके। तो आप किसी भी बटन पे क्लिक करके करें आपके पास सेम स्क्रीन आएगी। तो हम प्लस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब हम दो तरह से अपनी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। पहला तो जो दी गई ये थीम्स हैं इनमें से ही अगर हम किसी थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, और दूसरा अगर हमने कोई थीम डाउनलोड करके रखी हुई है तो उस थीम को अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो हमारा होता है इस अपलोड थीम ऑप्शन से। तो पहले हम इनमें से ही कोई थीम इंस्टॉल करके देखते हैं। तो हम कोई भी एक पॉपुलर थीम लेते हैं और वो इंस्टॉल करके देखते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। मानिए हम ये सिडनी थीम यूज करना चाहते हैं तो आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अब ये थीम इंस्टॉल हो रही है, कोई भी थीम यूज करने के लिए आप उस थीम को एक्टिवेट करते हैं। तो जब तक भी आप किसी भी थीम को एक्टिवेट नहीं करते आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो किसी भी थीम को यूज करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसे एक्टिवेट करें। अब जैसे कि ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल हो चुके हैं आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप जब इस थीम को एक्टिवेट कर चुके हैं अब आप देखिए अपनी वेबसाइट की लुक, आपकी लुक बदल चुकी होगी पहले से, ये देखिए। अब आपने जो सी थीम डाली है उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट की लुक चेंज हो चुकी है। अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि था अपलोड थीम। अब हम थीम को अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे और अगर हमें कोई ऐसी फाइल जो हमारे पास डाउनलोड हुई पड़ी है, zip, जो आपकी थीम्स और प्लगइन्स होंगी वो हमेशा zip फाइल होंगी, तो आपको zip फाइल जो भी आपने डाउनलोड की हुई है या कोई ऐसी थीम जो आपने खरीदी हुई है, प्रीमियम थीम अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आपको zip फॉर्मेट में मिलेगी। तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाली थीम भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब पिछली बारी की तरह अब ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है, कोई भी थीम यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब जो थीम हमने इंस्टॉल करी अब हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की लुक उस थीम के हिसाब से बदल जाएगी। अब आप देखिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की लुक कैसी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब लुक फिर से बदल चुकी है पिछले से। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट की लुक चेंज कर सकते हैं थीम्स को यूज करके। अब हम अगर वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिले अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लगइन्स। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, हमारे पास पैकेज होते हैं जिसमें पहले से कुछ कोड लिखा होता है जो हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, इनक्रीज कर देते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम प्लगइन्स में जाकर ऐड हम प्लगइन्स भी दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तो जो इन लिस्ट में दिए गए हैं वो वाले इंस्टॉल करें और दूसरा हम अपलोड प्लगइन से इंस्टॉल करें। अब जैसे कि आपने पॉपुलर पे क्लिक किया आपके पास सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आजकल के टाइम में ये फॉर्म, ये वाला प्लगइन आपकी वेबसाइट में होना है, क्योंकि आजकल हर एक वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का पेज या फिर लिंक होता ही होता है। तो आप इसके लिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी कोड लिखना नहीं पड़ेगा। आप इसे इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे थीम की तरह सेम, तो आपका ये प्लगइन जो है आपकी वेबसाइट में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो चुके आप इसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे।
अब ब्रीफ में देखेंगे कि इसको एक्टिवेट करने के बाद हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने वो प्लगइन इंस्टॉल किया, आपका यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नाम से लिंक आ गया। अब आप पहले देखें इसमें कौन सा फॉर्म है, पहले से इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है। अब आप एक नया फॉर्म बनाइए अपने हिसाब से, इसका नाम दे दीजिए न्यू कॉन्टैक्ट, और मानिए आप वहां पे टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं एंटर योर नेम, तो आप यहाँ पर लेबल के अंदर लिख दीजिए एंटर योर नेम, और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसमें आप नेम को एंटर करवाएंगे। इसी तरह यहाँ पर लिख दीजिए एंटर योर ईमेल, तो आप उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आएगा, आपका ईमेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर योर मैसेज। इतना करने के बाद आप इसको सेव करिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास एक शॉर्ट कोड आ जाएगा। अब जहां पर भी आपको चाहिए कि आप इसको यूज करना चाहते हैं वहां पर इस शॉर्ट कोड को आप पेस्ट कर दीजिए। मानिए कि हम इसे अपनी वेबसाइट के साइड बार में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम साइड बार को कैसे एडिट करते हैं, अपीयरेंस में जाकर विजिट्स में हम इससे अपने साइड बार को एडिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का साइड बार है। अब हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म देखेंगे, हमने जो क्रिएट किया था वो था न्यू कॉन्टैक्ट, तो हम इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और साइड बार में हमें चेंजेस करना है तो अपीयरेंस में जाके विजिट्स में। अब यहाँ पर ये हमारा है साइड बार, साइड बार में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट लेंगे और उसे ड्रैग करके यहाँ पर डाल देंगे जिस भी जगह पर आपको चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसका टाइटल चेंज कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर विजुअल में जाके उसे पेस्ट कर दीजिए इसके बाद, और सेव पर क्लिक। नाउ क्लोज। अब देखिए अपनी वेबसाइट ओपन करके, ये देखिए जो आपने बनाया था एंटर योर नेम एंटर योर ईमेल, वो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर आ चुका। अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जो कि है अपलोड वाले से। तो अब हम प्लगइन में जाएंगे, एड न्यू। मानिए अब हमारे पास कोई प्लगइन है जो हमारे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपलोड। अब इसमें मानिए मैं यूज कर रही हूँ टाइनी एमसी एडवांस्ड। अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ में। अब जैसा कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, मुझे उसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट किए बिना हम उसे यूज नहीं कर सकते, तो एक्टिवेट प्लगइन करेंगे। टाइनी एमसी एडवांस्ड प्लगइन हमारा जो है वो यूज होता है एक यूजर को एक अच्छा इंटरफेस देने के लिए, एक इजी इंटरफेस देने के लिए, जिससे वो कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी पेज इजी ऐड कर सके, अपना इजीली ऐड कर सके। तो हम पोस्ट में जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा एक पोस्ट है। तो पोस्ट में जाकर देखेंगे हम ऑल पोस्ट, ये हमारा हेलो वर्ल्ड पोस्ट है। आप इसमें देखिए, पहले ये हमारा नहीं आ रहा था, अब हमारे पास ये सारा बोल्ड इटैलिक, और ये होता है किसी भी टेक्स्ट पे आप कोई भी लिंक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बिना किसी कोड के आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मानिए आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए। आप मानिए इस पे कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर वो लिंक डाल दीजिए, जिस पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवाना है उस पेज का लिंक डाल देंगे। अब चेंजेस करने के बाद अपडेट पे क्लिक करें। इसी तरह आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीजें, यहाँ से जैसे हमने एंकर टैग इंसर्ट करना है, कोई मीडिया इंसर्ट करना है, या कोई स्पेशल सिंबल हमें इंसर्ट करना है, तो वो हम सब यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए आपकी वेबसाइट, ये देखिए अभी आपका वो टेक्स्ट था जो वहाँ पर दिख रहा था, आप रीड मोर पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका ये हमने बोल्ड और इटैलिक किया था, तो ये बोल्ड और इटैलिक हमारे पास दिख रहा है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में थीम्स और प्लगइन्स यूज करके उसकी लुक चेंज कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं,
अगर आप देखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल किया जाता है तो वो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि अपने लोकल होस्ट पे किस तरह से आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।